से अगर हम उनके खिलाफ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन हमारे लिए मिलके इलेक्शन लड़ना होगा, और इसलिए हम इस नतीजे पे आए हैं कि श्रीनगर पार्लियामानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार उठेगा और अनंतनाग पार्लियामानी हलके से कांग्रेस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि श्रीनगर पार्लियामानी हलके से हम अपने सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को इलेक्शन लड़वाएंगे, और कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि अपने पीसीसी चीफ और मेरे साबका काबिना के साथी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब अनंतनाग पार्लियामानी हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक कंबाइंड फाइट देने की कोशिश की जाएगी। मेरे कंसर्न ऑफ बोथ द कांग्रेस एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, अ कंसर्टेड एफर्ट इज बीइंग नाउ मेड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस्करेज द ऑपोजिशन फ्रॉम बीइंग एबल टू मूव आउट एंड कैंपेन। आर सिक्योरिटी इज बीइंग डाउनग्रेडेड, bullet proof vehicles of party functionaries are being withdrawn, escort vehicles are being taken away, former contesting candidates who contested elections only as recently as 2014 are now being told to manage without a PSO, and I'm talking about highly threatened areas in districts of Pulwama, Kulgam and Shupaiyan. And therefore through this press conference on behalf of both the National Conference and the Congress, I would like to make an appeal to the Election Commission that they need to direct the state government to provide all necessary security to all the functionaries of the two parties and our allied parties so that we can campaign, so that we can take our message to the people, and finally it's for the people to decide in which direction they would choose to move. ये क्या गेम खेली जा रही है, इस गेम का मकसद क्या है, और पीडीपी और बीजेपी वाले आवाम को इतना बेवकूफ क्यों समझती है, ये जवाब आपको उनसे हासिल करना होगा। क्योंकि अगर कोई भी ये सोचे कि इनका अकेले मतलब एक साथ इलेक्शन ना लड़ना इस बात का सबूत है कि ये मिले हुए नहीं है, ये मिलके तो हुकूमत कर रहे हैं। अगर ये मिलके नहीं इलेक्शन लड़ रहे, अगर ये मिले हुए नहीं है, अगर ये अलायंस नहीं है, तो बीजेपी के मिनिस्टर रिजाइन कर, वो किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? अगर के बीजेपी का मकसद है पीडीपी को हराना, तो वो एक साथ हुकूमत कैसे कर रहे हैं? फिर हराएं एक दूसरे को। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो वोटर है, वो बहुत ज्यादा समझदार है। दर परेशान ना हो, डिवाइड ना हो, वो एक रीजन हो सकता है। क्या परसेंटेज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी भी स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर आपकी बात के दो ही जवाब। एक तो स्ट्रेटजी जो उमर साहब ने बता दिया, इस चुनाव पर जो बनाई गई वो इसीलिए भी क्यों वोटर परेशान ना हो, डिवाइड ना हो, वो एक रीजन हो सकता है कि जब एक प्लेटफॉर्म पर हम उनको एक चॉइस दे रहे हैं तो वो एक मददगार होगा। दूसरा, सरकार अगर खुद न चाहे, अगर वो खुद एक फैक्टर ना बने कि पोलिंग कम हो, लोग इन हालात में भी जो उन्होंने झेला है पिछले दो साल से और खासकर पिछले आठ नौ महीने से, उसको देखकर हमें उम्मीद है लोग जोगदर जोग निकलेंगे और अपनी राय देने का इस्तेमाल करके इस सरकार को जवाब देंगे। मैं अपने तरफ से